मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट के संबंध में ये पीसी होगी। मीडिया सेंटर सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट को लेकर जानकारी इसमें सीएम देंगे। और आपको बड़ी खबर हम बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम त्रिवेंद्र रावत प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और अहम बात यह है कि इंडस्ट्रियल समिट को लेकर ये जानकारी देंगे। उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट को लेकर यहां पर सीएम जानकारी देंगे। मीडिया सेंटर सचिवालय में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता नासिर, हमारे साथ देहरादून से फोन लाइन पर मौजूद है। नासिर, पूरी जानकारी, कितने बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ अहम बातें रहने वाली हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, करीब 12 बजे का समय रखा गया था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे हैं। थोड़ी देर में मुख्यमंत्री मेरे सेंटर सचिवालय में वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो इंडस्ट्रियल समिट की जानकारी देंगे कि आखिरकार इंडस्ट्रियल समिट क्या है और कब होने वाला है। 27 और 28 तारीख को हरिद्वार में ये इंडस्ट्रियल समिट होगा। इसमें तमाम, जिस तरीके से पहले सबमिट हो चुका है देहरादून में, उसमें तमाम कंपनीज आई थी और उनके साथ जो एमओयूज हैं वो साइन किए गए थे। इस तरीके से तमाम बड़ी इंडस्ट्री के लोग हरिद्वार में इस इंडस्ट्रियल समिट में आएंगे और वहां पर किस तरीके से कौन कौन सी कंपनी आएगी की जानकारी मुख्यमंत्री थोड़ी देर में जब कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तब देंगे। फिलहाल अभी तक जानकारी हुई है कि इंडस्ट्रियल समिट होने जा रहा है, उस इंडस्ट्रियल समिट को कैसे डिजाइन करेगी उत्तराखंड सरकार, वो तमाम चीजें मुख्यमंत्री सामने रखेंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में इंडस्ट्रियल समिट होने वाला है, अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण ये रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए नासिर आपका। तो उत्तराखंड इंडस्ट्रियल समिट को लेकर जानकारी देंगे यहाँ पर सीएम, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हालांकि 12:30 का वक्त तय किया गया था, लेकिन अभी पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू नहीं हुई है, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है शुरू होगी। कौन कौन सी कंपनी यहां पर आने वाली है इस बारे में भी जानकारी यहां पर सीएम देंगे। तो अगर व्यापारिक लिहाज से देखा जाए तो ये जो समिट है, इंडस्ट्रियल समिट है, वो उत्तराखंड के लिए काफी फायदेमंद होगा। अब इसकी तैयारियों को लेकर ही यहां पर जानकारी देंगे सीएम। 28 तारीख को लगभग 2 दिनों तक का ये पूरा कार्यक्रम होगा।